हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टिचिंग क्लास में। और आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी सलवार में पॉकेट लगाने के दो बहुत ही आसान तरीके। ये पॉकेट में हम जिप लगा दो तरीके मैं आपको बताने वाली हूँ। इसमें पॉकेट लगाने के बहुत ही आसान तरीके हैं, आप दोनों देखिए और जो आपको ईजी लगे आप वो उसे बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को ज़रूर पूरा एंड तक ज़रूर देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी बेल्ट है, देखिए ये इस तरह से 26 इंच है और इस तरह से ये 9 इंच है। ये हमने इस तरह से 26 इंच की ये बेल्ट कट की हुई है, चौड़ाई में 9 इंच। अब देखिए हमें क्या करना है, ये हमारा देखिए बीच में ये नेफे का है, यहाँ से देखिए हम नेफा बनाएंगे। तो अब देखिए हमें इस तरह से ये हमें नेफे वाली बिल्कुल बीच सेंटर में किया हुआ है, यहाँ से हमारा नेफा बनेगा। अब देखिए सीधा हाथ पड़ता है वहाँ हम पॉकेट लगाएंगे। तो देखिए हम मेरा सीधा हाथ देखिए इस तरफ है, तो मुझे देखिए यहाँ पॉकेट अटैच करनी है। आपका भी जिस तरफ सीधा हाथ है उस तरफ ही आप पॉकेट अटैच करें। देखिए अब हमें क्या करना है, देखिए ये बीच सेंटर है जहाँ से हमारा नेफा बनेगा। अब हमें यहाँ पर देखिए यहाँ हमें ये कपड़ा कट कर लेना है सीधा। अब इसको हम अलग कर लेंगे। देखिए इस तरह से, ये देखिए हमने अलग कर लिया है। अब हमें इसको देखिए उल्टा कर लेते हैं। ये देखिए हमने उल्टा कर लिया है और अब हमें देखिए निशान लगाना है। इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड की हुई है सलवार में पॉकेट किस तरह से लगाते हैं, उसमें मैंने पूरा डिटेल्स समझाया हुआ है, तो आप उस वीडियो में देख कर देखिए और अच्छे से सीख सकते हैं। देखिए अभी हमें यहाँ से करीब देखिए 2.5 इंच इस तरह से निशान लगाना है ऊपर की तरफ। देखिए इस तरह से जो हमारी नेफे की 1/2 इंच हम नीचे लगाएंगे इस तरह से, 2.5 इंच ऊपर और 1/2 इंच नीचे। जो बीच का हिस्सा होगा देखिए हमारा करीब 6 इंच बचेगा, तो ये हमारे पॉकेट के लिए होगा। अब हमें देखिए यहाँ इस तरह से यहाँ सिलाई लगा लेनी है और यहाँ भी सिलाई लगा लेनी है। देखिए ये बीच का हम इस तरह से खुला छोड़ेंगे। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं पहले। हमने सिलाई लगा दिया ऊपर और यहाँ भी लगा दी नीचे। अब देखिए हमें हम इसको इस तरह से खोलेंगे, ये देखिए, और अब हमें इसको देखिए इस तरह से फोल्ड करके देखिए इस तरह फोल्ड करके यहाँ हम एक सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने सिलाई लगा ली है, देखिए हमारी इस तरह से आ जाएगा। देखिए तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा इस तरह से होल आ जाएगा देखिए पॉकेट का। और अब देखिए पहले इसमें हम जिस तरह से प्लेट डालते हैं हम प्लेट डाल के तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने प्लेट्स डाल ली है देखिए सलवार में। देखिए अपने नेफा हमने फोल्ड नहीं किया है अभी इसमें हम जिप अटैच करेंगे। तो देखिए ये हमने जिप ली है, ये देखिए। अब हमें देखिए हमने ये हॉल बनाया, तो देखिए ये हमें देखिए ये खुला छोड़ा है पॉकेट के लिए। ये देखिए जिप को देखिए इस तरह से उल्टा कर लेंगे, ये सीधी साइड देखिए जिप की, और इसे देखिए हम इस तरह से रखेंगे। देखिए
यहाँ देखिए इस तरह से रखेंगे इसे। अब देखिए हमें यहाँ इस तरह से यहाँ सिलाई लगा लेनी है। देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये बाद में देखिए हमारे इस तरह से नेकी में आ जाएगी। तो यहाँ से हम सिलाई देखिए लगाना स्टार्ट करेंगे। पहले हम जिप अटैच करेंगे, उसके बाद हम पॉकेट अटैच करेंगे इसमें। तो फ्रेंड्स ये हमने इस तरह से सिलाई लगा कर इसमें जिप अटैच कर ली है अपनी। ये देखिए ये हमारी इस तरह से आ जाएगी सी तरफ से। ये देखिए अब देखिए अब यहाँ से हमें देखिए जो कपड़ा था इसे हम इस तरह से नेफे को फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर कर देंगे देखिए जिप के ऊपर। तो ये हमारी अंदर आ जाएगी देखिए नेफे के अंदर, और इस तरह से हमें पूरे नेफे पर सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए ये हमने नेफा भी देखिए अपना फोल्ड कर लिया है सारा। ये देखिए अब इसके हम पॉकेट अटैच करेंगे। तो ये देखिए ये मैंने पॉकेट के लिए ये कपड़ा लिया हुआ है देखिए, और इसकी देखिए लंबाई चौड़ाई बता दी। ये देखिए इसे लंबाई में मैंने देखिए इस तरह से देखिए 20 इंच लिया है, और इस तरह से मैंने इसे 7 इंच लिया है। हमें इसे हम देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरह से और एक कट हम इधर लगाएंगे, और इसी तरह से एक कट हम इधर लगाएंगे। देखिए ये देखिए दो कट लगा लिए हमने, और अब हमें ये देखिए अब देखिए जो हमने कट लगाया था इस कट को हम देखिए बिल्कुल यहाँ देखिए बीच सेंटर में जहाँ देखिए हमने जिप अटैच करी है इसका यहाँ पर देखिए इस तरह से रखेंगे इस कट को। ये देखिए इस तरह से, और जो देखिए हमारी प्लेट्स की सिलाई है देखिए ये वाली, ये देखिए इस तरह से यहाँ से यहाँ तक इसमें सिलाई लगा लेंगे। देखिए जो हमारे प्लेट्स की सिलाई है उसी सिलाई के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरह से बस हमारा सेंटर देखिए बिल्कुल ये जो कट है बिल्कुल यहाँ आना चाहिए बिल्कुल सेंटर में देखिए इसके, हम यहाँ सिलाई लगा लेंगे। ये हमने सिलाई लगा लिए देखिए इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमने इस तरह से अटैच कर दिए, और अब हमें देखिए इसे ये देखिए इसको इस तरह से करेंगे, और ये कपड़ा देखिए ये हमारा देखिए नेफा है जो इससे करीब हाफ इंच देखिए इस तरह से ऊपर आना चाहिए। ये देखिए इस तरह से यहाँ हम निशान लगा लेंगे। देखिए देखिए इस तरह से रख के ये हमारा देखिए नेफे से करीब हाफ इंच ऊपर होना चाहिए, और देखिए इस तरह से जो हमारी प्लेट की सिलाई है यहाँ हम निशान लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से देखिए ये हमारा इस तरह से रख कर देखिए, अगर यहाँ हम इसे रखते हैं प्लेट पर देखिए हमारा हाफ इंच ऊपर ही आता है नेफे से। देखिए इतना हम निशान लगा लेंगे। देखिए निशान लगाने के बाद हम देखिए इसे इस तरह से खोलेंगे और इसे देखिए इस तरह से कर लेंगे। ये देखिए देखिए निशान हमारे भी दिखाई दे रहे हैं देखिए हमें।
देखिए दोबारा समझा देती हूँ आपको। देखिए ये हमने इस तरह से सिलाई लगाई थी, इसके बाद हमें ये इस तरह से रख के नेफे से करीब हाफ इंच ऊपर, देखिए देखिए, और ये हमने निशान लगा लिया, देखिए सीधा इस तरह से। और निशान लगाने के बाद हमें, अब देखिए इसको इस तरह से खोलेंगे, और देखिए जो निशान था ये हमारे इस प्लेट्स पे आना चाहिए, देखिए इस तरह से, ये देखिए। और अब हमें देखिए यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगानी है, और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है हमें, ये दोनों तरफ हमें बंद कर लेनी है। जो निशान वाला हिस्सा है देखिए, इसको हम इस तरह से ऊपर ही छोड़ेंगे खुला, यहाँ से हम इसे बंद कर लेंगे, देखिए ये देखिए सिलाई लगा लेते हैं हम यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। देखिए यहाँ से यहाँ सिलाई लगा ली हमने, अब सेम इसी तरह से यहाँ भी सिलाई लगा लेंगे हम बिल्कुल निशान तक। ये देखिए ये हमने दोनों तरफ देखिए सिलाई लगा ली है, देखिए अब हमें इस तरह से करेंगे और इसको इस तरह से पलट लेंगे, देखिए ये देखिए। तो देखिए हमारी इस तरह से पॉकेट आ जाएगी ये, ये देखिए। और अब हमें देखिए यहाँ से जो खुला है हमारा, देखिए यहाँ से हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, और यहाँ से भी, और देखिए जो हमने ये हाफ इंच ऊपर लिया था देखिए नेफे से, यहाँ से इसे फोल्ड करके जो हमारी नेफे की सिलाई है बिल्कुल इस सिलाई के ऊपर हम सिलाई लगा देंगे और इसको पूरा बंद कर लेंगे हम। यहाँ सिलाई स्टार्ट करेंगे हम, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से बिल्कुल हमने इसे देखिए बंद कर दिया है, और देखिए हमारी पॉकेट अटैच हो गई है, मैं आपको दिखाती हूँ सीधा करके इसे। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा सी तरह से देखिए इस तरह से आएगी, देखिए ये देखिए बहुत ही आसानी से, देखिए ये हमारा हाथ इस तरह से अंदर जा रहा है, और ये हमारी पॉकेट देखिए अटैच हो गई है जिप वाली। देखिए फ्रेंड्स एक तरीका हमारा ये था जिप वाली पॉकेट लगाने का, अब मैं आपको एक तरीका और बताऊंगी पॉकेट लगाने का, वो भी बहुत आसान है तरीका बताऊंगी। तो ये देखिए हमने बेल्ट वाली सलवार देखिए पूरी तैयार करके रखी हुई है, इसमें हमने नेफ बनाया हुआ है और प्लेट वगैरह डालकर हमने इसे तैयार किया हुआ है। अब ये देखिए ये हमने एक कपड़ा लिया हुआ है पॉकेट के लिए, इस तरह से देखिए मैंने इसे 8 इंच लिया है, और इस तरह से मैंने इसे 16 इंच लिया हुआ है, तो इतना कपड़ा हमें ज़रूरत होगी पॉकेट के लिए। तो ये देखिए, तो देखिए अब यहाँ से हम इस तरह से ये निशान लगाएंगे 1.5 इंच पर, और 1.5 इंच पर हम यहाँ से निशान लगाएंगे, ये देखिए इस तरह से ऊपर से करीब हम इस तरह से 2 इंच नीचे निशान लगाएंगे, देखिए और बीच में देखिए हमारा बसता है देखिए 5 इंच, क्योंकि हमारी जिप देखिए इस तरह से ये 5 इंच की हमने जिप ली हुई है। अब हमें ये निशान लगाए हैं इनको हम स्किन से सीधा कर देंगे, बहुत ही आसान तरीका है देखिए जिप लगाने का ये।
ये देखिए इस तरह से हम सीधा कर देंगे निशानों को। अब हमें एक निशान और लगाना है, बीच में बहुत ही कम देखिए इस तरह से गैप रखेंगे, ये देखिए इस तरह से, और एक लाइन हम और खींच लेंगे देखिए इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमें देखिए दो लाइन खींच लिए। अब देखिए ये मेरी सलवार है, ये हमारे सलवार का देखिए राइट साइड है जहाँ को आपको हाथ देखिए सीधे तरफ में अटैच करनी है ये, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अब देखिए हमें यहाँ से करीब इस तरह से देखिए यहाँ से करीब हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से, ये देखिए, और ऊपर से भी करीब हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे देखिए, और अब यहाँ से हम निशान लगाएंगे करीब 5 इंच पर, यहाँ से भी 2 इंच लेंगे। इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये देखिए इस तरह से। अब देखिए जो निशान लगाया हमने और जो इस कपड़े पर देखिए निशान लगाया हमने, इन निशान को देखिए इस तरह से मिलाएंगे बिल्कुल, ये देखिए इस तरह से, और इस तरह से रखकर जो मैं निशान लगाया है इस तरह से इसमें सिलाई लगा लेंगे पूरे पर, इसके ऊपर रख के देखिए इस तरह से उठाएंगे इसे और सिलाई लगा लेंगे। देखिए कि आप चाहे तो एक पिन भी लगा सकते हैं इसके बीचों बीच ताकि आप कपड़ा हिल के हिले ना, ये देखिए इस तरह से, और हम यहाँ सिलाई लगा लेंगे पूरे में। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमने सिलाई लगा ली है, देखिए जो निशान लगाए थे हमने। अब देखिए यहाँ बीच में हमें एक कट लगाना है, तो देखिए बिल्कुल इसके बीचों बीच हम कट लगाएंगे देखिए यहाँ पे, देखिए इसके, और यहाँ से देखिए हमें इस तरह से कट लगाना है जो कोने है देखिए इस तरह से, इस तरह से थोड़ा देखिए अब थोड़ा ध्यान से कट लगाइए, सिलाई नहीं कटनी चाहिए आपकी। देखिए इस तरह से कोने पे देखिए इस तरह से थोड़ा तिरछा कट लगाएंगे, और अब इसी तरह से सेम बिल्कुल हम यहाँ भी इसी ऐसे ही कट लगाएंगे, देखिए इस तरह से, देखिए हमने कट लगा दिए। अब देखिए जो कपड़ा है इसे हम अंदर तरफ डाल देंगे देखिए इस तरह से, ये देखिए लेंगे इसको, या फिर आप प्रेस भी कर सकते हैं इस पर, ये देखिए इस हमारे इस तरह से आ जाएगा।
अब एक सिलाई हम इसके ऊपर लगा लेंगे जो किनारे पे। तो देखिए हमें सिलाई लगा ली है और अब हमें देखिए अब हमें जिप अटैच करेंगे। देखिए ये सीधा हिस्सा है, इसे हम देखिए इस तरह से करेंगे और ये देखें देखिए इस तरह से अटैच करनी है। देखिए और यहाँ हमें सिलाई लगा लेंगे। देखिए अब यहाँ से सिलाई लगा सकते हैं या फिर इस तरह रखकर इसके ऊपर से भी सिलाई लगा सकते हैं, जैसा आपको ईजी लगे। ये देखिए इस तरह से रखते हुए देखिए यहाँ हम सिलाई लगा लें। तो देखिए ये हमने अपने जिप देखिए अटैच कर ली है। ये देखिए इस तरह से ये देखिए। और अब हमें देखिए ये उल्टी तरह से देखिए जो कपड़ा है देखिए इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। और अब हमें देखिए ऊपर से देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से ही फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से दोनों को फोल्ड करके देखिए एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख के यहाँ हम सिलाई लगा लेंगे। और फिर यहाँ से भी सेम हम इस तरह से यहाँ से फोल्ड करेंगे इसे और यहाँ से भी हम इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो तीनों तरफ हमें इस तरह से बंद करना है फोल्ड करके। ये देखिए इस तरह से हमें पूरे पे सिलाई लगा लेंगे। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये हमने सिलाई लगा ली है, इसको पूरा बंद कर दिया है और ये हमारे देखिए पॉकेट अटैच हो गई है। ये देखिए अब देखिए एक सिलाई हम यहाँ से और लगा लेंगे ताकि थोड़ा अच्छे से मजबूत हो जाए देखिए हमारी पॉकेट। फ्रेंड्स ये हमारी पॉकेट अटैच हो गई है। ये देखिए देखिए इस तरह से आएगी हमारी। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारी इस तरह से ये हमने सीधी पॉकेट लगाई है। देखिए ये अगर का सलवार आपका देखिए ये वाली पॉकेट आप अगर का सलवार आपका बना हुआ है और उसमें पॉकेट नहीं है तो ये बड़ी ही आसानी से आप इस तरह से लगा सकते हैं बनी हुई सलवार में भी। ये सीधी पॉकेट है हमारी देखिए इस तरह से। ये देखिए बहुत ही सिंपल है इसे बनाना। देखिए बहुत ही देखिए आसानी से हमारी पॉकेट लग गई है। देखिए ये हमारी साइड पॉकेट है। ये देखिए हमारी इस तरह से ये साइड में आएगी। ये देखिए इस तरह से। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने दो तरीके आपको बताए हैं सलवार में पॉकेट लगाने के। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और फिर भी आपको प्रॉब्लम होती है बनाने में या ये जिप वगैरह लगाने में तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। फ्रेंड्स ये हमारे दोनों तरह के देखिए जिप वाली पॉकेट बन गई है। और मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है आपको बनाने में तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो मेरी तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और साथ में बेल आइकन है उस पर जरूर क्लिक करिए ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।